हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं हूं कश मंडोर। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस, आज का जो वीडियो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। व्हाई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर सफर फॉर जॉब। या तो जॉब मिल नहीं रही है, या फिर जॉब मिल रही तो इतना लेस पैकेज की सोचते हैं कि यार करे कि ना करे, और इसका कारण क्या है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। मैं छोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे से लेके बड़े कॉलेज तक सभी कॉलेजेस में बच्चे सफर कर रहे हैं। अच्छा पैकेज उनको नहीं मिल पा रहा है या फिर जॉब ही नहीं मिल रही है, चाहे बी बी टेक की हो, चाहे एम टेक एम ई की हो, चाहे डिप्लोमा की हो, चाहे आई टी आई की हो, सब में सेम प्रॉब्लम है। सिविल इंजीनियरिंग में आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो गया है जॉब लेना, और जॉब मिला तो कैसे उसको पैकेज को इंक्रीज किया जा सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। डेफिनेटली ये कोई लैला का डांस वाला तो वीडियो है नहीं कि आप उसको बहुत मनोरंजन के साथ देखोगे, बट समझ पाओगे इस चीज को। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो कि यू आर द सिविल इंजीनियर, तो शायद आपको इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या रीजंस है। तो गाइस, सबसे पहला जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है जो हमने बी बी टेक में या फिर एम टेक एम ई में पढ़ा है, वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कैसे है? बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी कॉर्पोरेट में हो रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे प्रॉब्लम होती है कि ये हमारा कॉलेज का लेवल हो चुका है और यहाँ हो गया कॉर्पोरेट। अब ये बीच में कनेक्ट कैसे किया जाए, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हम लोग, ठीक है। जो बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? सीधी सीधी बात है, यहाँ वाला बंदा यहाँ कैसे अचानक से छलांग लगाएगा? कुछ तो लगना चाहिए ऐसे, या फिर इसको थोड़ा सा इन्हेंस करो, इतना रहेगा तो चलो ठीक है, थोड़ा ट्रेन करके पहुँचा दो। लेकिन जब यहाँ हो तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आ रहे, उसमें हमें सॉफ्टवेयर के नाम पे सिर्फ झलावा मिलता है। ठीक है, आप भी इंजीनियरिंग किए हैं, हमने भी इंजीनियरिंग किया है, ऑटोकैड सिलेबस में था, कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टैड प्रो भी सिलेबस में है, बट कितना है और कितना हमें सिखाया जाता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि लैब में कितने कंप्यूटर चलते हैं। मीन्स हम एजुकेशन को हम कितना सीरियस लेते हैं, कॉलेज कितना सीरियस लेता है और सिलेबस हमारा कितना सीरियस है, ये तो आप समझ ही सकते हो। इतना ढेर सारे सिलेबस है एक सिविल इंजीनियरिंग में कि उसका 70% सिलेबस आज के टाइम में किसी भी यूज में नहीं आ रहा है। ओनली 30% थोड़ा बहुत निचोड़ करके अगर एडजस्ट किया जाए तो यूज में आ पा रहा है। तो अगर ये सिलेबस को अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, डेफिनेटली वो हमारे हाथ में नहीं है, तो कैसे होगा? तब कॉर्पोरेट लेवल पे आप आराम से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सिलेबस चेंज कर दोगे। नहीं यार, मेरे हाथ में होता तो मैं डेफिनेटली कर देता, लेकिन जो मार्केट की डिमांड से, जो मार्केट की चीजें चल रही, जो मार्केट में चल रहा है, इसके रिगार्डिंग अगर आप सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर में ही फोकस हो जाएं कि यार जो मार्केट में चल रहा है उससे कनेक्ट करने वाली चीजें हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, जैसे आईटी में होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, वैसा ही अगर हम करने लगे कि भाई हम जावा पढ़ने लगे, हम पीएलसी स्काडा पढ़ने लगे, तो क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेम हम लोग के साथ भी करना चाहिए, हमें ऑटोकैड पढ़ते रहना चाहिए, टिकला पढ़ते रहना चाहिए, ईटीएस पढ़ते रहना चाहिए, स्टैट प्रो पढ़ते रहना, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो इसके साथ आपको कॉर्पोरेट की चीजें भी आप पढ़ते रहो। उससे क्या होगा? डेफिनेटली मैं जानता हूं कि हम सिविल इंजीनियर, मतलब कोई भी बच्चा जब कॉलेज में होता है कितना सीरियस होता है, हम भी उतने सीरियस नहीं थे, आप भी उतने सीरियस नहीं हो, तो ये तो वही है कि लास्ट में क्या बोलते हैं, रिजल्ट बहुत गंदा निकलता है, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर जो सीरियस हो जाए कि भाई अब मुझे ये टेक्नोलॉजी इस सेमेस्टर में खत्म कर लेना है, ये टेक्नोलॉजी इस सेमेस्टर में खत्म कर लेना है, बिलीव करो वो उसका जो लेवल होगा ना लगभग यहां पर आ जाएगा, और उसको ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा इस चीज को अपग्रेड करने में और अच्छे पैकेज पे पहुंचने में। चलिए, आपने कहा कि ठीक है सर, हम ये तो मान लीजिए कर ले रहे, तो सिलेबस तो हमारे हाथ में नहीं है, अब और कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में? एक चीज़ तो समझ में आ गया सर कि स्किल सीखते रहना चाहिए जिससे कि हम कॉर्पोरेट से मैच कर पाए। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बाहर आते हैं हमको ढेर सारा पैकेज मिले, या फिर हम कुछ करें ऐसा जिसमें हमें अच्छा आमदनी हो सके। सिविल इंजीनियरिंग के अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो उसमें अगर एक पार्ट ऐड कर देते कि टेंडर कैसे लेना है। आज के टाइम में गवर्नमेंट के बहुत ढेर सारे टेंडर निकलते हैं, लाइसेंस बनते हैं, लाइसेंस कैसे बनता है, टेंडर कैसे निकलता है, पुराना सिलेबस में है लेकिन वो ओल्ड मेथड पे है जो कि आज के टाइम में वर्क ही नहीं करता, सब ऑनलाइन है। अगर हम इस चीज़ का एजुकेशन ले लें, ठीक है, एक तो हो गया स्किल्स बेस्ड कि स्किल के लिए हम हर सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर सीखे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको यूनिक्स सिविल पर सिखाता हूँ। याद रखें, इसमें बहुत ढेर सारे लोग आपको लूटने की भी कोशिश करते हैं। तो देखो, सीधी सीधी बात है कि अगर कोई सर्विस दे रहा है, चाहे मैं दे रहा हूँ कोई और दे रहा है, तो वो दाल में नमक तो खाएगा क्योंकि उसका भी पेट है, लेकिन उसका एक लेवल होता है। नमक के जगह पर दाल ही मत खाओ, इस चीज़ का पहचान करके आप अपने स्किल को इम्प्रूव करो।
दूसरा जो चीज हमको सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए कि भाई टेंडर लेते हैं कैसे आज के टाइम में, हम अपना लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, लाइसेंस बनवा लेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे, वर्क करके वर्क कैसे मिलेगा, किस तरह से टेंडर को फिल करें, टेंडर में क्या प्राइजेस लिए। अगर इस चीज़ का नॉलेज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता हमको अच्छे तरीके से, तो बाहर निकलते ही सारे ही जॉब के लिए तड़प में नहीं घूमते। कई ढेर सारे ऐसे होते हैं कि अरे अपन तो टेंडरिंग करेंगे, मस्त अपने को नॉलेज है, ये काम करवाएंगे और यहाँ से इनकम लेंगे। अगर इस चीज़ का नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है। और आई थिंक इस पर मैं प्लान भी करूँगा, इस पर अगर कोई एक सिलेबस आ जाए, कोई ऐसा कोर्स आ जाए कि इसको करने के बाद हमको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हाँ यार ऐसे टेंडर यहाँ पर भरना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 10 से 15 लाख रुपये मिनिमम बच ही जाते हैं ईमानदारी से काम करने के बाद। अगर इस चीज़ का नॉलेज हो जाए तो बिलीव करिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये सिलेबस में ऐड होना चाहिए एक्चुअली में। तीसरा क्या मुझे लगता है कि जो ऐड हो अगर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ही बेनिफिट होगा, ऐड तो डेफिनेटली नहीं होगा बट अगर हम सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। तो मार्केटिंग हमें पता होना चाहिए, हमें रियल एस्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो रियल एस्टेट मार्केटिंग एक्चुअली अभी कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट किया है MBA इन रियल एस्टेट, बट वो जो है ना वही फिर वो पुराना सिलेबस रटा रहे हैं, वो भी मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्टली जो जरूरत है मार्केटिंग इन रियल इस्टेट्स, अगर उसका नॉलेज हो जाए किस तरह से फंड उठाना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से क्लाइंट को सेल करना है, अगर इस चीज़ का नॉलेज हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेज में ऐड हो जाए, डेफिनेटली होना चाहिए। और ऐड होने के बाद कोई एक सैंपल अगर हमें कॉलेज में ऐसा होता, केस स्टडी बना के देना होता कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट डील डन करवाया है तो हमें डिग्री मिली है वगैरह वगैरह, अगर इस तरीके की कुछ प्लानिंग हो। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूँ ये कि अगर हमें रियल इस्टेट का पहले से अनुमान लग जाए कि ये चीज़ को ऐसे कंप्लीट करते हैं और ऐसे सेल करते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ये स्टेप फॉलो करते हैं और यहाँ से फंड लेते हैं, तो बिलीव करिए इंजीनियरिंग करने के बाद फिर से लोग कहेंगे यार क्या मतलब है कहीं जॉब करने का, अपने को रियल इस्टेट का पूरा पता है, आइए इसी इंडस्ट्री में आ जाते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि अगर इस पे लोगों को नॉलेज ऐड हो, इस पे लोग कोर्स बनाएं, अगर आप इसे कोई बना सकता है तो इस पे अगर कोई कोर्स बनाए तो बहुत ही अच्छी रीच बढ़ेगी। और सबसे अच्छी चीज़ उस चीज़ से लोगों का माइंड ग्रो होगा कि यार सिविल इंजीनियरिंग में बहुत भंडार पैसे का, बस खोजने की ज़रूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीसरा सजेशन है कि अगर ये हो तो बहुत ही अच्छा होगा लोगों साहब। चौथा सजेशन मेरा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। आज के टाइम में आप सबको पता है हर कोई चाह रहा है शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ, कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। बुरी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे लोगों के थिंकिंग बढ़ रही है वैसे ही क्रिएशन बढ़ना चाहिए। अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ और अगर यहाँ पर एक क्या बोलते ईंट का वो रख अलमीरा बना देता सिंपल सा, उस पर वो रखता बुक्स रखता, तो शायद वो इसके एस्थेटिक व्यू को मैच नहीं करता इतने अच्छे फ्लैट के लिए, राइट। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं प्लान करवा दूँ, यहाँ पर अच्छा डेकोरेशन जैसे ऊपर लगा हुआ इस तरीके से करवा दूँ, तो क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ी, उससे थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू सुधरा और ये अच्छा एक साइंस है। तो अगर इस साइंस को हम लोग अपने सिलेबस में ऐड कर देते हैं, अभी कुछ लोग ऐड कर रहे हैं डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग करके कोर्सेस आ रहे लोगों के, बट वो भी आउटडेटेड है एक्चुअली बताओ तो। मैंने कई लोगों को देखा भी है, बुक्स वगैरह पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग किया था। तो अगर इस चीज़ को अपने सिलेबस में ऐड कर दिया जाए या फिर सिलेबस से बाहर 1-2 महीने की ट्रेनिंग्स मिल जाए, ट्रेनिंग मतलब वो वाला नहीं कि बस पैसा दिया सर्टिफिकेट मिल गया, वो वाला ट्रेनिंग यार बहुत गंदा ट्रेंड हो चुका है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, ठीक है। तो अगर इस तरीके की ट्रेनिंग से बेटर है कि एग्जैक्टली एकदम प्रैक्टिकल वे में पता चलता है कि इस जो लकड़ी है, इस लकड़ी का प्राइस क्या है, इसके ऊपर जो सनमाइका लगा है इसका प्राइस क्या है, कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे ज़्यादा ज़्यादा क्रिएटिव माइंड सोर्सेस हो सकते हो, इस चीज़ का साइंस अगर ऐड हो एस सिलेबस में या फिर बाहर इस चीज़ का ट्रेनिंग्स मिलता हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से। लोग पंपलेट में छपवाते हैं कि मैं देता हूँ बट सच्चाई कितनी रहती है आप सबको भी पता है। मैक्सिमम लोग झलावा देते हैं यार एक्चुअली, क्योंकि उनके माइंड में थॉट ही नहीं है कि हमें इस चीज़ को करना है, ये थॉट है कि फीस लेना है, पैसे लेना है, मतलब अपना जेब भरना है। लेकिन अगर ये थॉट हो कि नहीं मुझे करना है, ठीक है, बिलीव करिए जब मैंने जॉब्स गाइड चैनल को स्टार्ट किया मेरे माइंड में 1 मिनट के लिए भी नहीं आया कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूं फिर आपको जॉब दिलाऊं। मेरे माइंड में ये आया कि मेरे से इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्लेस कैसे किया जाए, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो मैं उसके लिए मेरे प्लान में आया कि यार अगर चैनल ऐसा हो जिस चैनल पर मैं ढेर सारी जॉब्स जेन्युइन है, क्योंकि आप सब सर्च करोगे तो बहुत से फेक मिलेंगे फ्रेशर्स को, तो जो जेन्युइन उनको कैसे आपके सामने लेके आओ। तो मेरे माइंड में आया कि यार ये चीज़ कर देते। तो इस तरीके का अगर थॉट होगा कि यार
कुछ ऐसा इंटीरियर की प्लान करते हैं, कुछ ऐसा रियल इस्टेट का एमबीए कुछ प्लान करते हैं, एमबीए बोले या फिर कुछ कोर्स का नाम दे दो, मैं कुछ ऐसा सोचा नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ अगर हो तो बहुत अच्छा है। टेंडरिंग का प्रॉपर नॉलेज हो, टेंडरिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग भरना कैसे, उसमें पैसे कैसे गेन करते हैं, काम कैसे करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर थोड़ा सा हो रहा हूँ तो डिज़ाइन का जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे खोलते हैं, फिलहाल तो मैं अभी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं खुद आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि फॉर्म कैसे ओपन करते हैं, बट अभी भी बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें और बताने को है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं कि जानना चाहिए, इसलिए ऐसे वीडियोज़ में क्या होते हैं, व्यूज़ कम आते हैं। तो जो भी डेफिनेटली हम भी यार अप्रिसिएशन की भूखे होते हैं, अगर आप अप्रिसिएट नहीं करोगे हमारे काम को तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर लगता है यार जो काम में हमको पैसे अर्न हो रहे हैं उसको फोकस करो क्योंकि डेफिनेटली उससे पैसा आएगा। बट अगर आप लोग उन चीज़ों को सपोर्ट करने लगोगे, लाइसेंस कैसे बनता है, लाइसेंस कैसे बना, मतलब कि उसके लिए जीएसटी ले करवाते हैं क्या, शॉपिंग लाइसेंस लेते हैं क्या, एमएसएमई में रजिस्टर्ड करते हैं क्या, खुद को क्या प्रोसेस है प्रोजेक्ट लेने के, स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट, ऐसी चीज़ों का अगर क्रिएशन बढ़ने लगे, ऐसे चीज़ों के कोर्सेस बनने लगे, तो शायद थोड़ा चेंजिंग और अच्छा आएगा। मुझे लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री है कि एक कंसल्टेंसी कैसे खोलना है, स्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी, बीम की कंसल्टेंसी, एस्टिमेशन की कंसल्टेंसी, बल्ब कंसल्टेंसी का पूरा भरमार है और इसमें पैसे का भी भरमार है, आप सबको पता है। तो मींस न्यू एज के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाए तो पैसे बहुत है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और यही चीज़ नहीं है, चाहे मैं आईआईटी की बात करूं, चाहे एनआईटी की बात करूं, चाहे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करूं, सबका सिलेबस वही है। बी एन दत्ता की बुक हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे याद है, बहुत अच्छी बुक है वैसे तो, टू बी फ्रैंक, लेकिन उस बुक में जो टाइल्स दिया है वो टाइल्स पता है कौन सा है, छोटे छोटे जो टाइल्स के टुकड़े होते थे उसका एस्टिमेशन निकालने का मेथड दिया है। अब आपको पता है आज के टाइम में मार्बल का क्या रेट है, आपको पता है आज के टाइम में मार्बल कैसे बिकता है स्क्वायर फीट में, तो मतलब अपग्रेड करने की नीड है, उस हिसाब से लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होगा और आई थिंक उससे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आप लोग भी सोचिए कि हाँ यार इस चीज़ का अगर नॉलेज में ले लूँ, या फिर इस चीज़ का जैसे मैंने टेंडरिंग के बारे में बोला, इस चीज़ पर फोकस कर सकते हो, स्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी पे, बीम की कंसल्टेंसी के बारे में सोच सकते हो, इंटीरियर का पूरा वर्क करके देने का प्लान कर सकते हो, या फिर जॉब के लिए। अब जॉब में भी यार बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो भी इंडिया में चल ही नहीं रहे, ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इंडिया में नहीं चल रहे हैं, फॉरेन में उनके बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर हम सीख लें तो हमारी सीवी बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। इसके बारे में आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर अगर सीखते हो तो फॉरेन में डिमांड है, फॉरेन में जाते कैसे हैं, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, क्या एजुकेशन वीजा पे जाना चाहिए कि वर्क वीजा का वेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे एक्सप्लोर करो, तब जाके थोड़ी सी जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेगी। अभी हम क्या सर्च कर रहे हैं कि हम जिस जगह पे है उसके नियर बाय में सिविल इंजीनियर की जॉब कहाँ से मिल जाएगी, नियर बाय में एक छोटा सा एक रूम में बच्चा खोला हुआ है वो कैसे आपको जॉब देगा, थोड़ा सोचो, माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया में बहुत सी जगह पर अपॉर्चुनिटीज है, बस और अच्छा पाने है आपको बाहर भी जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, सीखो वहाँ की टेक्नोलॉजी को ले आओ, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे वो न्यू दिखेगा और शायद उससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कल ईद है तो ईद की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, वैसे मैं कल एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ जो अपना यूनिक सिविल एप्लीकेशन है उस पर जो अभी ईद मुबारक का एक हम गिफ्ट आपको दे रहे हैं 50% ऑफ का, वो कल लास्ट डे है उसकी, तो जो भी लोग एक्चुअली में सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, जेन्युइन लोग जो है वो जाके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी में, दाल में नमक के बराबर, उस फी में आपको वो एजुकेशन, एक्चुअली एक तरीके से बोला जाए तो फ्री एजुकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए दाल में नमक के बराबर है, तो आप उसको करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा होगा क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। आप चाहते हो क्या मैं बताऊँ कि फॉरेन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर की डिमांड है, आप चाहते हो क्या फॉरेन में कैसे हम लोग अप्लाई करें, ऐसे टॉपिक्स को यार कमेंट करो ना, कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ की नीड है, ठीक है। और कमेंट करोगे तो लोगों को पता चलेगा हाँ यार इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। लाइसेंस कैसे बनवाते पूछो ना मुझसे, मैं प्रॉपर एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। जो भी स्टेप्स हैं नीचे कमेंट करो, ब्रॉड माइंड से सोचो कि सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तब देखना आपका पैकेज नहीं पैकेज का भंडार आपके जेब में आएगा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।